नमस्कार, आप प्रभा साक्षी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिमझिम। इस वक्त मैं कोलकाता ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट में मौजूद हूं, जो कि ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के नीचे स्थित है। यहां पर हम पहुंचे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते, कौन है उनके पसंदीदा चेहरे। तो चलिए हम आम लोगों से बात करते हैं। आप भी यहाँ दुकान लगाते हैं? नहीं, दुकान हम लोग माल खरीद के बाहर भेजते हैं। अच्छा, कौन है आपका पसंदीदा चेहरा? चुनाव बेहद नजदीक है। नरेंद्र मोदी। क्यों बार बार नरेंद्र मोदी? इसलिए कि पहले ट्रेन जो चलती थी 60 के और 70 80 की स्पीड में चलती थी, आज के डेट में गाड़ी 140 की स्पीड में चल रही है। तो देश का प्रगति 140 की स्पीड में चल रहा है, इसलिए हम लोग का पसंदीदा प्रधानमंत्री चेहरा श्री नरेंद्र माननीय नरेंद्र मोदी भाई है। महंगाई बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देश का विकास हो रहा है, आपका विकास हुआ क्या? मैडम, जब जमीन किसी का अगर 10,000 का है और 10 लाख हो जाता है तो कोई नहीं बोलता है कि महंगाई में मेरा जमीन 10 लाख का हो गया। और 2 रुपया 10 रुपया बोझ बढ़ गया तो आदमी कहता है कि महंगाई है। एक एक आदमी अगर खर्चा में, उनके घर में शादी है, करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है खाने पीने के लिए। अगर 200 का शराब है, 1,000 में मिलता है तो पी लेते हैं। मांसू है, मीट है, 700 रुपए जी के गद्दे 900 रुपए के जी हो जाए, खरीद कर खाते हैं मगर बोलते नहीं है कि महंगाई है या नहीं है। और अगर हम लोग को थोड़ा सा महंगाई अगर बढ़ जाती है तो जनता, हमारे नेता, जनता नहीं, जनता महंगाई पर नहीं बोलती है। जनता जो चल रहा है ठीक है, मगर दूसरा चेहरा विपक्षी नेता लोग जो है, महंगाई है महंगाई है, लोग करोड़ों अरबों रुपया घोटाला करके देश को किस तरफ ढकेल दिए हैं, ये कहने वाली बात है मैडम। बिल्कुल, मतलब देश हित के लिए अगर थोड़ा सा महंगाई बढ़ भी जाए तो सही है। और विपक्षी नेता है जो ये महंगाई का और बेरोजगारी का दिखा रहे हैं लोगों को, एक्चुअल में लोग खुश हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर देश के हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय नेता है तो उनको 400 सीट NDA पार करेगी इस बार। भाई हम पूछने वाले थे कि 400 पार का गारंटी दे रहे, लगता है होता? हाँ हाँ, ये सर्वे हो चुका है और ये 400 पार इस बार सरकार बनाएगी। बंगाल का क्या हाल है? बंगाल में 35 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे। यहाँ कॉन्टेक्ट जो है BJP बनाम TMC है, मगर TMC का हालात देखते हुए यहाँ वोट परसेंटेज BJP TMC के करीब में पहुंच गई है। TMC का क्या हालत है यहाँ? TMC यहाँ लोकल चेहरा है तो थोड़ा उनका दबदबा है, मगर लोग देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दीदी यहाँ पे मुख्यमंत्री ठीक है पर प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री के चेहरा पर दीदी है मगर NDA यहाँ अच्छा इस बार परफॉर्मेंस करेगी मैडम। हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं और किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं। चुनाव बेहद नजदीक है, किसे चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही चुनेंगे। मोदी जी क्यों? फिर से मोदी जी क्यों? फिर से मोदी जी आना ही तो पड़ेगा ना। कोई विपक्ष से कोई नहीं भी है उसका बहुत छड़िए, जो नया नया प्रकल्प वो लेके आ रही है। इसके बाद जो कांग्रेस था उसको नहीं कुछ कर पा रहा है। पहले समझिए, जो बॉर्डर पे जो दंगा लगता था ना, अभी बहुत चेंज हो गया है, बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। बॉर्डर पे अब दंगे कम हो गए? बहुत कम हो गया है। जो खून खराबी होता है वो भी बहुत कम गया है। तो इस वक्त मोदी जी ठीक है। देश में शांति फैलाने के लिए मोदी जी चाहिए फिर से। क्या कहेंगे अंकल आप, किसे चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री? हम भी हूँ जो का, मैं भी उन्हीं का लिए मोदी जी को सबको BJP को हराना है। ठीक है, BJP को हराना है, किसे लाना है? जो आजा मिली जुली सरकार बनेगा इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या? हाँ बहुत अच्छी पार्टी है। आप इधर आ जाइए थोड़ा। क्या करते हैं आप? फूल का बिजनेस करते हैं। अच्छा, मोदी जी से इतना नाराज क्यों है? हम जितने लोगों से बात करते हैं सिर्फ एक तरफा एक ही नाम सुनने को मिल रहा है मार्केट में, मोदी मोदी मोदी। फिर आप बहुत अलग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या कहेंगे, कौन है आपका प्रधानमंत्री? गांधी जी थे गुजरात का, जो देश बांटने का काज किए थे। ये जो गुजरात के हैं मोदी जी, देश बेचने के काम कर रहे हैं। आज जो आप पढ़े लिखे हुए हैं, नौकरी कहाँ है, सर्विस कहाँ है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो ये अच्छा, जो मोदी जी बोल रहे थे अच्छा दिन आ गया, अच्छा दिन आ गया,
300 रुपया में उस समय सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में मिलता था, अभी 1200 रुपया में आदमी ले रहा है। अभी किसी ने बताया कि महंगाई बढ़ा है, लेकिन देश हित में बढ़ा है, देश में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा महंगाई सहना, लोग खुश है उससे, तो आप क्यों नाराज है? महंगाई तो देश हित के लिए बढ़ रहा है ना, देश हित के गरीब कहाँ जाएगा, गरीब किसान कहाँ जाएगा? जो खाद 300 रुपया में मिलता था, अभी 1500 रुपया में बोरी मिल रही है, किसान कहाँ जाएगा? MSP को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इस पे क्या कहेंगे? किसान अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। संदेश खाली घट्टा के बारे में जानते हैं? नहीं, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना नहीं जानते। ये तो अब पूरे देश में सभी को पता है। न्यूज़ देखने का टाइम नहीं हम लोग का, बिजनेस से भी। अच्छा, तो आपका चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के रूप में, किसे आप देखेंगे? मिली जुली सरकार बनेगा। कोई चेहरा जो आपको पसंद हो, मोदी नहीं तो बहुत बहुत है, ऐसा थोड़ी बात है कि गांधी जी मर गया तो देश नहीं चला, मोदी के हर जगह तो देश नहीं चलेगा का, ऐसा थोड़ी बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।